Hey everyone, welcome to my channel. आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 3 आईलाइनर लुक जो कि बहुत ही इजी है एंड बहुत ही यूजफुल है फॉर बिगनर्स. सो अगर आपको लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होता है और बिगनर हो, नहीं आता है कैसे लगाना है, देन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. एंड अगर पसंद आए और हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो इस वीडियो से. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहले जो लुक हम लोग क्रिएट करेंगे उसके लिए मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, एक लिक्विड आईलाइनर. दिस वन इज़ फ्रॉम सुगर. तो सबसे पहला काम जो करना है वो है आपका जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देना है ताकि बहुत ईजीली एंड प्रिसाइजली आप आईलाइनर लुक क्रिएट कर पाओ. सो यहाँ पे मैं पॉइंट टेक्निक यूज कर रही हूँ. तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले विंग का जो टिप चाहिए आपको ना, वो आपको एक डॉट के साथ मार्क कर देना है. नेक्स्ट मैं डॉट को कनेक्ट करूंगी विथ माई आउटर कॉर्नर. नेक्स्ट मैं और एक डॉट दूंगी जहां पे मेरा ट्राइंगल खत्म होगा, लास्ट का विंग खत्म होगा. और आप देख सकते हो मैं एकदम टिप से इसको कनेक्ट नहीं की हूँ, मैं टिप के थोड़ा सा बगल से उसको कनेक्ट की हूँ. एंड देन फिल इन कर लेना है. नेक्स्ट मैं करूँगी और एक डॉट और उसको मैं कर रही हूँ लैश लाइन के बीच में. सो सेंटर में करूँगी एंड उसको कनेक्ट कर लूँगी विद दैट ट्राइंगल. और अभी बस आपको एक ही काम करना है, दैट इज एकदम सिंपल सा लाइनर ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है अपने लैश लाइन के क्लोज क्लोज एंड दैट्स इट. बहुत ज़्यादा मोटा मत कीजिए, यही पे हम लोग गलती करते हैं कि ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में और गलती छिपाने के चक्कर में हम लोग बहुत मोटा लाइन क्रिएट कर देते हैं और वहीं पे गलती हो जाता है. सो ट्राई कीजिए बहुत सिंपल एंड पतला सा लाइन क्रिएट करो लैश लाइन के क्लोज क्लोज एंड दैट्स इट. आपका आईलाइनर इज डन. सो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट आईलाइनर लुक इज डन एंड मस्कारा के साथ थोड़ा सा मैं इसको फिनिश करूंगी. यहाँ पे मैं कोई फोर्स आईलैशेस नहीं अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपको दिखे कैसा लग रहा है आईलाइनर. सो बहुत ही क्लीन एंड बहुत ही सिंपल है ये आईलाइनर लुक. होपफुली ये बिगनर के लिए तो बहुत परफेक्ट है एंड आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प होगा इस आईलाइनर ट्यूटोरियल से. तो फर्स्ट लुक मेरा बन चुका है. सो मेरा न्यू वीडियो आ चुका है सेकंड चैनल पे मेरा वीडियो सेटअप के ऊपर. सो गो वॉच दैट वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सेकेंड लुक स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैं सबसे पहले एक टेप लगा लूंगी आउटर कॉर्नर पे. तो टेप आपको कैसे लगाना है, टेप आपको लगाना है जस्ट लोअर लैश लाइन को एक्सटेंड करते हुए, ठीक है. जस्ट उसको अगर एक थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो जैसा लाइन क्रिएट होगा वैसे ही आपको जस्ट टेप लगा देना है, दैट्स इट. नेक्स्ट मैं एक जो लाइनर यूज कर रही हूँ दैट इज फ्रॉम मेबलिन जेल आईलाइनर. आई लव दिस जेल आईलाइनर. आप यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर भी यूज कर सकते हो बट यहाँ पे मैं जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ. और आप टेप लगाए हो इसलिए कुछ नहीं सोचना है, जस्ट आपको क्रिएट कर लेना है एक लाइन आउटर कॉर्नर से लेके आपको लाइन खींच देना है और अपने आप एक ट्राइंगल शेप भी ले लेगा. सो आपको जितना लंबा चाहिए उस हिसाब से आप लाइनर के टेल को उतना लंबा कर लो. एंड दूसरी बात, आपको एकदम आउटर कॉर्नर पे ही ट्राइंगल को ख़त्म करना है, अदरवाइज ये वही मोटापन आ जाएगा. सो इसलिए लैश लाइन के क्लोज क्लोज बहुत सिंपल सा एंड बहुत पतला सा लाइनर ड्रॉ कर लूँगी मैं एंड बहुत सिंपल रखूंगी इस आईलाइनर लुक को भी. जस्ट आउटर कॉर्नर पे जो शेप बना है वही हम लोगों का सबसे ब्यूटीफुल लगेगा एंड लैश लाइन के क्लोज क्लोज बहुत सिंपल एंड बहुत पतला सा लाइन क्रिएट कर देना है एंड दैट्स इट. हम लोगों का लाइनर लुक इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. एंड इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा क्लीन करने की जरूरत है तो क्लीन कर लो, थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर लो. नेक्स्ट मैं बस मस्कारा लगाऊंगी लोअर लैशेस एंड अपर लैशेस पे. आई लुक में मैं फॉल्स आई लैशेस नहीं अप्लाई कर रही हूँ इस लुक के साथ ताकि मेरा लाइनर छिप ना जाए, बहुत अच्छे से विजिबल हो. एंड इनर कॉर्नर को एंड ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूंगी विथ माई फेवरेट हाईलाइटर, वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाईलाइटर.
आई लव दैट हाइलाइटर गाइज. सो आप अगर बहुत दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हो देन यू नो दैट. एंड हियर इज द फाइनल लुक गाइज. है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ब्यूटीफुल विंग आईलाइनर क्रिएट हो चुका है. ये आईलाइनर भी आप कोई भी आई मेकअप के साथ क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप बिगनर भी हो तो आप एकदम सिंपली इसको यूज कर सकते हो. सो इजीली क्रिएट होने वाला ये आईलाइनर लुक है. सो ट्राई कीजिएगा अगर आपको नहीं आता है आईलाइनर ड्रॉ करना. एंड थर्ड लुक जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक कंसीलर. एंड सबसे पहले कंसीलर ब्रश के हेल्प से मैं एक जस्ट एक लाइन खींच लूँगी आउटर कॉर्नर पे. तो वो लाइन भी जस्ट मैं लोअर लैशेस को एक्सटेंड करूँगी. वो एक्सटेंड करने पे वैसा ही स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगा. एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लाइनर. सो यहाँ पे आईलाइनर के लिए मैंने यूज़ किया है आई एम स्टरडम का लाइनर. एंड ये मुझे बहुत पसंद आता है बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेटर. बहुत थिन इसका ब्रश है जो कि बहुत इजीली आईलाइनर यूज़ करने में हेल्प होता है. तो अभी हम लोगों को सबसे पहले एक ट्राइंगल क्रिएट करना है आउटर वी पे, और आपको बस कंसीलर के लाइन को फॉलो करना है. कंसीलर के लाइन के बाहर नहीं जाना है. उसी को हम लोग रेफरेंस लेके एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे सबसे पहले. एंड ट्राइंगल को लैश लाइन के साथ ज्वाइन कर लेना है, और जो भी गैप्स है उसको धीरे धीरे फिल इन कर लो, और लैश लाइन के क्लोज क्लोज एकदम सिंपल पतला सा एक लाइन खींच लो. एंड हियर इज आवर विंग आईलाइनर. है ना वेरी सिंपल. सो यहाँ पे कंसीलर के रेफरेंस के कारण हम लोग इसको बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और गलती होगा भी नहीं क्योंकि हम लोगों का लाइन स्ट्रेट है ऑलरेडी. तो यहाँ पे मैं काइंड ऑफ ट्राइंगल क्रिएट करूंगी. सो ये विंग आईलाइनर मुझे बहुत पसंद है. ट्राइंगल शेप का होता है ये आउटर वी पे, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है इसको क्रिएट करना भी. बस यहाँ पे जो टेक्निक है वो फर्स्ट दोनों टेक्निक से बहुत डिफरेंट है. सो आप इसको क्रिएट कर सकते हो इजीली. सो आई होप ये टेक्निक भी आपको पसंद आया होगा. और आई मेकअप को मैं फिनिश करूंगी विथ मस्कारा अपर एंड लोअर लैशेस पे, एंड हाइलाइटर अप्लाई करूंगी इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन पे. सो इसी के साथ बस आई मेकअप लुक फिनिश होता है. सो है ना वेरी सिंपल विंग आईलाइनर ट्यूटोरियल. सो ये लाइनर भी आप बिगनर हो तो क्रिएट कर सकते हो, और हुडेड आईज भी है अगर आपका तो आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हो. सो इसका बहुत ज्यादा विंग नहीं है, सो हुडेड आईज वाले भी बहुत अच्छे से इसको कैरी कर सकते हैं. सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ट्यूटोरियल, और तीनों विंग आईलाइनर लुक भी आपको पसंद आया होगा. सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.